नमस्कार, आप देख रहे हैं thelokniti.com और हम इस वक्त बात करेंगे दिनभर की पांच बड़ी खबरों के बारे में। पहली खबर दिल्ली से आ रही है, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि DTC सहित मेट्रो में सफ़र करने वाली महिलाओं का किराया बिल्कुल मुफ्त कर दिया जाएगा, यानी अब दिल्ली में रहने वाली महिलाओं को मेट्रो में और DTC की बसों में सफ़र करने पर अब किसी प्रकार का कोई टिकट नहीं खरीदना होगा। इस पूरे प्रक्रिया में लगभग हर साल 700 से 800 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, जिसे दिल्ली सरकार वहन करेगी। अब इस बड़े ऐलान के बाद मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल को घेरते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। दूसरी खबर केंद्र सरकार से जुड़ी हुई है। दिल्ली में बैठी नरेंद्र मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें भारत के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले अजीत डोभाल को लगातार दूसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने फैसला लिया है कि वे उन्हें राज्यसभा सांसद के तौर पर भी नियुक्त करेंगी। तीसरी खबर असम से आ रही है, जहाँ वायुसेना का विमान AN-32 लापता हो गया है। AN-32 विमान ने आज सुबह 12:25 पर उड़ान भरी, जिसके 45 मिनट के बाद विमान का धरती से संपर्क टूट गया। विमान में कुल 13 लोग सवार हैं, जिसमें 8 चालक दल के लोग हैं, वहीं 5 आम यात्री हैं। वायुसेना द्वारा विमान की खोज की जा रही है। चौथी खबर हैदराबाद से आ रही है, जहां BJP के सांसद टी राजा ने असुद्दीन ओवैसी पर एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि असुद्दीन ओवैसी टेरर फंडिंग करते हैं, यानी वह आतंकवादियों को आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। साथ ही उन्होंने ओवैसी पर आरोप लगाते हुए कहा कि हैदराबाद में 7,000 से ज़्यादा विदेशी मुसलमान रह रहे हैं और आने वाले चुनावों में हैदराबाद में BJP एक बड़ी जीत हासिल करेगी और ओवैसी का राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। पांचवी खबर आ रही है गुजरात से, जहां बलराम थावनी जो BJP के विधायक हैं, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें एक महिला जो है वह विधायक जी के पास पानी की शिकायत लेकर जाती है और विधायक आपा खो देते हैं। अब इस पूरे मामले में वीडियो वायरल हुआ, काफ़ी आलोचना हुई, जिसके बाद रिपोर्ट की गई। रिपोर्ट होने के बाद अब इस पूरे मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है, जिसमें विधायक जी ने मिठाई खिलाकर, जिस महिला को उन्होंने मारा था उसे मिठाई खिलाकर उससे माफ़ी मांगी है। साथ ही उस महिला ने विधायक जी को राखी बांधकर इस पूरे मामले पर विराम लगा दिया है। यह खबरें आप देख रहे थे thelokniti.com पर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।